सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो फ्री गैस कनेक्शन जो दिया जा रहा है उसके अंदर आप अपनी योग्यता की लिस्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर ही। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर आपको फ्री गैस कनेक्शन दिया जा रहा है तो उसकी लिस्ट किस तरह से चेक करनी है, उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, आप किस तरह से देखेंगे, यही हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए या कोई भी अगर आप ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो उसे आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है www.csc digital seva। देखिए पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा www.csc digital seva kendra.in, तो ये आपको टाइप कर लेना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इस साइट के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे आप इसको टाइप कर लेंगे इसको आप क्लिक कर दीजिए www.csc digital seva kendra.in पर और सबसे पहला जो लिंक खुला हुआ है वेबसाइट का आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हम सीधा उनकी वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर वेबसाइट में आप चाहें तो नीचे डायरेक्ट जाकर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आप टच कीजिए। जैसे आप यहाँ पर टच करेंगे उसके बाद आपको ये सर्विस, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको टच करना है, सर्विस पर आप टच कर दीजिए। जैसे आप सर्विस पर टच करेंगे तो जो भी इनकी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर बता दी जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा नीचे जाइए। जब हम नीचे जाएंगे तो देखिए आप, जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सारी सेवाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में है, तो हम यहाँ पर अब क्लिक करते हैं। इस पर ही आपको क्लिक करना है दोस्तों और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप इसमें अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल योग्य हैं या नहीं हैं। अब इसको हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा इस पर नीचे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ लिख पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना नाम देखें लिस्ट में, तो आपको यहाँ पर अपना क्लिक कर देना है लिस्ट, ये जो ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। इस तरह का ऑप्शन खुलने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको क्लियर ठीक तरह से दिखाई दे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट लिखना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अभी यूपी से आपको दिखाता हूँ टाइप करके, क्योंकि और स्टेट्स का अभी है या नहीं वो मैं अभी कह नहीं सकता, तो मैं इस आपको उत्तर प्रदेश का सेट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप यहाँ पर बुलंदशहर मैंने टाइप कर दिया, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आपकी जो जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है आपको वही यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको तहसील, जो भी आपकी तहसील है, तो तहसील में चलिए मैं लिख देता हूँ शिकारपुर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है तहसील के, ठीक है। आपका जो भी होगा आपको वो यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठीक आपको भरना है। और उसके बाद ऑप्शन आता है ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत जो भी आपकी लगती है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बताने के लिए चलिए मैं आपको यहाँ पर ये सेट करके बता देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद हमें कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी लोकल लैंग्वेज जो है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने इसे इंग्लिश में सेट किया हुआ है, आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमें यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ की लिस्ट है दोस्तों ये, जहाँ की मैंने अभी ऊपर सर्च किया है, जहाँ भी आप सर्च करेंगे वहाँ की लिस्ट ये खुल जाएगी। मैंने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ये सर्च किया था, शिकारपुर के अंदर कोई भटौला जगह है, आपको दिखाने के लिए ही मैंने ये नाम डाल दिया था। तो जहाँ की भी आपको लिस्ट चेक करनी है आप वहाँ का यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब सारी लिस्ट खुल चुकी है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल यानी कि आपके अक्षरों के हिसाब से यहाँ पर नाम दिए होते हैं, पहले ए बी सी डी ई एफ, तो जो भी आपका नाम है उस हिसाब से आप यहाँ पर नीचे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो पहले आपको दिखाई देगा नाम, उसके बाद आपको आपका जेंडर, आप पुरुष हैं महिला, उसके बाद उम्र,
आपके पिताजी का नाम, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपकी जो भी जो डिजिट है टोटल मेंबर आपके परिवार में है, वो सबसे एंड में आपको दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी योग्यता की लिस्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर इस तरह से अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ पर इसके आगे का अपना सीरियल नंबर जो भी है 1234 जो भी आपका सीरियल नंबर है उस नंबर को आप लिख लीजिएगा, और या तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा फ़ोन का, या फिर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको नीचे प्रिंट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज, ये लिस्ट जो है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी इसको सेव करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद आप अपने जो भी आपके पास जो गैस का जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो गैस आपके यहाँ सप्लाई करते हैं उनके पास इस लिस्ट को लेकर जाइए, और आप अपने गैस के लिए आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की योग्यता लिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।